जब एक तीसरा इंसान आ जाता है एक रिश्ते में। किसी भी रिश्ते की बुनियाद कई चीजों से मिलकर बनती है, भरोसा, इज्जत, प्यार, सपोर्ट, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग। और इन सब में एक और चीज भी होती है जो हमें एक रिश्ते में रहकर ही समझ आती है, नियत। अगर एक इंसान की नियत है ना साथ रहने की, तो वो हर मुश्किल हालात से निकलकर रिश्ता निभा ले जाएगा, बिना उस रिश्ते पर आ जाए। लेकिन जब लोगों की नियत साफ नहीं होती, तो वो कब किस रास्ते पर निकल जाएं, इसका पता शायद देर से ही लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक फूल सा रिश्ता बनाया था कई सालों की मेहनत और त्याग के साथ, पर वो कहते हैं ना, भरोसा बनाने में सालों लग जाते हैं और टूटने में चंद सेकंड्स। कब एक तीसरा इंसान हमारे बीच आ गया, कब उसने जगह बना ली दिल में किसी के, और कब हमारे बीच दूरियां आनी शुरू हो गई, इसका पता ही नहीं चला। लड़ाइयां जब एक दूसरे से हो एक दूसरे के लिए, तो फिर भी जायज लगती हैं। पर जब लड़ाइयां हो तो एक दूसरे से रही हैं, पर हो किसी और के लिए रही हैं, तब समझ नहीं आता कि लड़ना चाहिए भी या नहीं। मैं आखिर तक उससे जवाब मांगता रहा मेरे सवालों का, कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कहां कमी थी मेरे प्यार में, क्या कुछ नहीं किया इस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए। पर वो शख्स कभी मेरे सवाल का सीधा जवाब दे ना सका। मैंने बहुत रोका उसे, बहुत ज्यादा भीख मांगी उसके आगे कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। पर फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं ये कर किसके लिए रहा हूं, जिसने मुझे धोखा दिया उसके आगे भीख मांग रहा हूं। क्यों, मेरी कोई गलती थी क्या? अपना आत्मसम्मान बेचकर इस रिश्ते को बचा भी लिया तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगा, जो शायद मेरा सबसे बड़ा लॉस होता, उसको खोने से भी ज्यादा बड़ा। और मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उससे खुद कहा कि तुम आजाद हो, क्योंकि मुझे एक चीज का एहसास हुआ, वो आजाद नहीं होता तो वो किसी और के पास भी नहीं जाता। शायद उसे मेरे प्यार से घुटन होती थी, शायद उसके लिए मैं टॉक्सिक इंसान बन चुका था, जो कि पता नहीं कब हुआ। मैंने तो हमेशा उसे आजाद रखा, चू तक नहीं करी, जैसा उसने चाहा हमेशा वैसा हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को चाहिए क्या आखिर। कोई उन्हें कंट्रोल करे तो वो टॉक्सिक हो जाता है, ना करे तो भी वो टॉक्सिक हो जाता है, रोक टोक करे तो टॉक्सिक, ना करे तो भी टॉक्सिक। कोई समझाए मुझे यार। लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस मन की बात होती है। जब तक मन लग रहा है हम उनके लिए सब कुछ होते हैं, और जब मन भर जाए तो हम उनके लिए कुछ नहीं। ये भी सही है, जाने वाले को कौन रोक पाया है आज तक। जिनकी आंखों में जिद होती है हमसे दूर जाने की, उन्हें वैसे भी कभी नहीं रोकना चाहिए। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर दुनिया का कोई रिश्ता नहीं है।